अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत आइंदा मालियाती साल का बजट कल पेश करने जा रही है। आज प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इक्तसादी सर्वे 2020-21 पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने दावा किया कि हुकूमत गुज़श्ता साल के बेशतर जो मुआशी अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, इनको अचीव कर चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के मुताबिक हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से ही मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। गैर मुल्की कर्ज़ों में 700 अरब रुपए की कमी हुई है। तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर से इसकी तजावुज़ हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 1 बिलियन डॉलर से ज़ायद की रकम आई है। FBR ने 11 महीनों में 42 अरब की टैक्स कलेक्शन की है। करंट अकाउंट गुज़श्ता 10 माह से सरप्लस रहा, जबकि ज़रई शोबे में 2.7% तरक्की हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर मुल्की रेटिंग के जो इदारे हैं, मूडीज़ और फिच का भी जिक्र किया और कहा कि इनकी दी गई बेहतर क्रेडिट रेटिंग इस बात का सबूत है कि हमारा स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है ये कामयाब हुआ है। आइंदा माली साल के बजट के मुतालिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बताया कि हुकूमत की जो पहली तरजीह है ये है गरीब को रिलीफ देना। महंगाई के जिक्र पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि चूंकि हम नेट फूड इम्पोर्टर बन गए हैं और गंदम, चीनी, दालें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल जो कीमतें हैं इनके असरात से नहीं बच सकते। पावर सेक्टर पर बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि पावर सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लैक होल बन चुका है। माजी में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की गुंजाइश में इजाफा किया गया, जिसकी अदायगी अब भी हुकूमत को करना पड़ रही हैं। आज हुकूमती वज़रा ने जो प्री बजट कॉन्फ्रेंस की, इसमें जहां हुकूमत अपनी मौशी पॉलिसीज़ पर बड़ी पुरएतमाद नज़र आई, वहीं ये दावा भी किया गया कि इन पॉलिसीज़ की वजह से ही मईशत को आज इस्तेहकाम मिला है। जबकि आज दुनिया के बड़े मालियाती इदारे JP Morgan ने भी पाकिस्तानी मईशत पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसे वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी इस हवाले से आज इस पर ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया और ये लिखा इस रिपोर्ट में कि रवा साल पाकिस्तान का GDP ग्रोथ 4.7% होगा। आलमी इदारे JP Morgan ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए भी बेहतरीन मुल्क करार दिया है और सरमायाकारों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, क्योंकि मौशी हालात जो हैं ये बेहतर हो रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी हमेशा की तरह यही सवाल पूछ रहा है कि उसके लिए इस बजट में क्या है, क्योंकि आजकल के दौर में जब रोज़ाना हम देखते हैं कि चीज़ों की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, खाने पीने की अशिया हैं, आए दिन इनकी जो कीमतें हैं उतार चढ़ाव नज़र आता है, तो ऐसे में फिर बजट की क्या अहमियत रह जाती है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम साहब आपका। सलाम। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि बिजनेस कम्युनिटी को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट में इस हुकूमत से, तो सर क्या जवाब है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस हुकूमत से आप इस बजट में? ये हुकूमत तीसरा अपना बजट पेश करने जा रही है कल। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात, इस बजट में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कुछ भी नहीं आते, एज इट इज चला है। हम इस बजट से सेटिस्फाई हैं, क्योंकि इस वक्त जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही है ये पहले हमने कभी नहीं देखी। जितनी बड़ी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरीके से हमारे सारे नंबर बेहतर हो रहे हैं, जो आपने सारे नंबर तो खुद बता दिए, तो मैं समझता हूँ कि एक नंबर रहता है कि बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट में भी कमी आई है और इससे ज़्यादा खुशहाल बात हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और जो आपका एक सवाल था कि आम आवाम के लिए किया है, तो आपको सिर्फ ये बताऊं कि आम आवाम के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, हाउसिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट ने वो हाउसिंग पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ लो हाउसिंग के लिए दी है, और लो हाउसिंग में भी उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है। पहले कभी छोटा आदमी ये सोच नहीं सकता था कि वो हेल्थ कार्ड उसको मिल सकता है, वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी मकान का मालिक बन सकता है। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है, इस पॉलिसी में मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी 10-15-20 हज़ार रुपए किराए के मकान में रहता है, अब वो अपना मकान खरीदेगा और 10-15 हज़ार रुपए किस्त देकर 20 साल में उसका मालिक बन जाएगा। तो ये जो खबर है, उसके साथ जो अच्छी खबर और है कि आपकी ग्रोथ की तरफ आप जा चुके हैं,
जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि 4.7% इस साल हम ग्रोथ अचीव करेंगे, और ये साल जो कि कोविड की वजह से हमें काफी इफेक्ट भी कर रहा था, लॉकडाउन भी हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन भी चलता रहा, स्कूलें भी बंद रही हैं, टूरिज्म सेक्टर भी बंद रहा है, सर्विस सेक्टर हिट भी को बड़ी हिट भी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो परफॉर्मेंस हमने देखी है तो ये अगला साल तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोच से भी बाहर होगा। और यहाँ पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी बात होगी वो लोगों को रोजगार देने वाली, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब ये अभी भी 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसका आज वफाकी वजीर खजाना ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, कोविड की वजह से जाहिर है उसके लिए भी तो आपके मौके पैदा कर रहे हैं ना। ये जो रेस्टोरेंट वगैरह इफेक्ट हुए हैं उनको जाहिर बात है वहाँ बेरोजगारी काफी हुई है, लेकिन अब वो सारी जगहें खुलने जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ इस वक्त लोग मिलते भी नहीं है। फिर आप नॉर्दर्न साइड पे भी जाके देखें कि कोविड के बावजूद भी रश इतना है कि आपको बुकिंग वगैरह आसानी से नहीं मिलती। फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है वो भी अनबिलीवेबल है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त जो जो चीज टारगेट कर रही है वो टारगेट उनका अचीव हो रहा है, लेकिन फिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत क्यों नाकाम है? एक आम आदमी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है ही महंगाई। ठीक है, महंगाई के बारे में सिर्फ ये देखें कि हम पूरी दुनिया को कंपेयर करें अपने आप से, हम इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में लास्ट ईयर महंगाई 6% पे थी, इस साल 10.5% पे आ गई। हमारी लास्ट ईयर महंगाई 10% पे थी, इस साल हम 11% पे आए। तो आप ये जरूर देखें कि हमने महंगाई पे किसी हद तक काबू पाया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप जाएं तो कमोडिटीज की प्राइस काफी बड़ी है, वहां हमारे जो वीट वगैरह और बाकी चीजों को हम कंपेयर करते हैं, पाम ऑयल वगैरह, तो 30-35% उनकी प्राइस बढ़ी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि ये बर्डन आवाम तक ना पहुंचे। आप ये देखें कि इसके बावजूद ठीक है, मैं समझता हूँ लोग जरूर इफेक्ट में होंगे, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए जो स्टेप्स लिए वो गवर्नमेंट उस पर कामयाब भी रही है। और आने वाले साल में वर्ल्ड बैंक की आज रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये जो कोविड सिचुएशन में जो कमोडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी थी, आने वाले टाइम में उसकी प्राइस बढ़ने से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइस नीचे आती है तो ये पाकिस्तान के लिए डबल खुशखबरी होगी, क्योंकि हमें उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सही। अच्छा, IMF जो कह रहा है कि आप टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाएं, टैक्स नए टैक्सेस लगाएं, आज शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि हमने बिल्कुल ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने का जो प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा ये बात की है कि गरीबों पर बोझ नहीं डालना है, तो एक तरफ आपने अपना टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन उसको भी बढ़ाना है, दूसरी तरफ आप टैक्स भी नहीं लगाने जा रहे हैं, तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि और जराए से हम टैक्स बढ़ाए, अपना जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करेंगे, वो और जराए कौन से हो सकते हैं अगर आपने टैक्स से हटना है? देखें, शौकत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हमारा टैक्स नेट में अब लोगों को लाना है, हमें अब जो लोग टैक्स नेट से बाहर बैठे हैं उनको अब टैक्स नेट में लाना है। हमारे यहाँ टैक्स देने वालों के नंबर बहुत कम है, और गवर्नमेंट ने पीछे एमनेस्टी भी दे चुकी है, और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ने एक और स्टेप्स लेने की बात की है कि FBR के पावर वो कट करेंगे। FBR को ऑडिट के हवाले से और नोटिस देने के हवाले से जो फ्री हैंड दिया गया है वो खत्म करेंगे। ये तो बिजनेसमैन कम्युनिटी आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है, आज भी उन्होंने कहा कि FBR की जानिब से जो हेरेस किया जाता था बिजनेस कम्युनिटी को आपकी बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है सर। ये जी बिल्कुल, ये खबर अच्छी है। देखें, हरासमेंट से जब भी हम बाहर निकलते हैं, आपको याद होगा जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन FBR होते थे तो उन्होंने टेस्ट नेट को काफी बढ़ाया भी था और वहाँ हमारे टारगेट भी अचीव होते थे। तो हरासमेंट जब भी खत्म होती है किसी भी जगह पे तो वहाँ टैक्स देने वाले लोग आपके बढ़ेंगे, और इसके बाद उनके पावर के साथ उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट की बात की है। तो ये सारी चीजें जैसे इंट्रोड्यूस होगी आपके टैक्स नेट काफी बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन भी काफी बढ़ेगा। और इस वक्त देखें जो टारगेट दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, ये तो नहीं कहा कि हम टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाएंगे। आप ये देखें टैक्स 115 अरब का ऑलरेडी इकट्ठा किया, IMF का प्रेशर है कि 150 अरब करके दें। देखें इस वक्त मुझे लग रहा है कि हमारा जो फिगर है 58 बिलियन, मेरा ये ख्याल है कि हम 58 बिलियन को भी एक्सिट कर जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी सिचुएशन बहुत बेहतर है।
और इस वक्त हमारा रुपी भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो बढ़ता था ये भी इसमें भी कमी हम देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाला साल बेहतर साल होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हम मेरा ख्याल से 1800 अरब या 1900-2000 अरब के करीब चले जाएंगे। तो इस साल में गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ स्पेस होगा कि आम आवाम के लिए कोई वो प्रोजेक्ट भी कर सके। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे भी वो फोकस कर रहे हैं, डैम भी आपके मुल्क में बनना शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है, टेक्सटाइल को ऑर्डर भी बहुत मिले, और सबसे बड़ी बात कि आपकी आईटी की एक्सपोर्ट काफी बढ़ गई है। इस साल कम से कम $1 बिलियन हमने आईटी एक्सपोर्ट ज्यादा की है, और आईटी एक ऐसी एरिया है जहां गवर्नमेंट अगर फोकस करेगी तो मैं समझता हूं अगले 4-5 साल में हम $10 बिलियन भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें काफी इजाफा भी हुआ है इस वजह से कि आपने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया है, और वो भी खाने पीने की एशिया, गंदुम, आपने पाम ऑयल, आपने चीनी, उन चीजों में जिसमें पाकिस्तान खुद कफील है, जिसकी वजह से उसके बावजूद आपका इन चीजों को इंपोर्ट करना, जाहिर है इससे फिर आपका जो दरामदी बिल है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आपका डेफिसिट बढ़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए वो हमने इंपोर्ट की है, जैसे वीट है, शुगर है। लेकिन मैं तो पाम ऑयल तो हम हमेशा से इंपोर्ट ही करते हैं, तो लेकिन पाम ऑयल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि $600 का पाम ऑयल इस वक्त $1300 पे है, तो ये हमें इफेक्ट कर रहा था। दूसरा जो हमें बेनिफिट होगा, हमारी वीट की बंपर क्रॉप हुई है तो हमें शायद अब वीट मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ हमारी शुगर कैन की भी क्रॉप बहुत बड़ी हुई है, सेकंड हाईएस्ट क्रॉप हुई है। फिर आपके की क्रॉप हमारी बहुत अच्छी है, तो उसके भी मैं समझता हूँ कि हमें बेनिफिट मिलेगा अगले साल। तो अगले साल शायद हमें वीट और शुगर वगैरह इंपोर्ट करने की जरूरत शायद ना पड़े, और इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट में भी कुछ बेहतरी हम देखेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे ट्रेड डेफिसिट अगर 2018 का हम उठाएं तो $35 बिलियन था, और हम अभी भी उससे बहुत नीचे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा बड़ा है, थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट के नंबर भी बेहतर हो, दूसरी तरफ हमारे रिमिटेंस के नंबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसी की वजह से प्लस दिख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि रिमिटेंस आपका बहुत बढ़ रहा है, फिर आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी खबरें ज्यादा है बुरी खबरों की नस्बत। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, मारूफ बिजनेस के साथ। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका। कल ये हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है सर, आज जो इक्तसादी सर्वे पेश किया गया, हुकूमत दावे कर रही है कि हमने इकॉनमी को स्टेबल कर लिया है, हमारी ग्रोथ में इजाफा हुआ है, मज़ीद हमने करना है इकॉनमी को स्टेबल करने और डेफिसिट से निकलने के लिए हमने आलमी इदारों से कर्जे लिए। लेकिन अब आपको पता है कि IMF के सामने जो हमारे सामने मुतालबात रखे हैं कि आपने नए टैक्सेस लगाने हैं, आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं, आपने गैस की कीमतें बढ़ानी हैं, बकौल वजीर ख़जाना साहब के हमने इनकार कर दिया है, हम गरीब आदमी पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। तो एक तरफ IMF का प्रोग्राम है सर, दूसरी तरफ हमें अपनी इकॉनमी को भी स्टेबल करना है, ये कैसे बैलेंस होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे सलाम करने का अगर आप मौका दे दें अपने व्यूअर्स को तो बहुत शुक्रिया आपका। आई नो इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अर्ज तो ये करूँगा कि मेरी दुआ है, सिर्फ मेरी नहीं पाकिस्तान के हर शहरी की दुआ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, ये प्रोग्रेस करे, इसका ग्रोथ रेट बढ़े। मैं पहले सर्वे की बात कर लेता हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे आया। देखें फरीन साहब मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और काफ़ी देर हम साथ साथ कुर्सियों में बैठते रहे हैं, काबिल इंसान हैं और प्रसिस्ट भी करते हैं, चीज़ों को परसू भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद आज कहा है कि ये हमारी बोरिंग इकॉनमी है, और अगर बोरिंग इकॉनमी पे हम आगे चल रहे हैं तो मुझे बताएं उस बजट का जिसकी बुनियादी उधार ले के आगे चलाना है वो दुनिया की किसी मुल्क की इकॉनमी उधार पे नहीं ठहरती। नंबर वन।
नंबर टू, उन्होंने जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, जो मेरा ख्याल वो लोग जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं वो आपको बता सकते हैं, ये कि अगर आप ये कह दें कि ग्रोथ रेट जो है वो सस्टेन नहीं करेगा हमें इन दी वर्ल्ड कनेक्टिंग टू आवर फर्दर बोरिंग आर डीलिंग विद द बैंक्स, तो आप इसका फायदा आपको क्या होगा। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो मेरा सवाल है टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एज ए पॉलिटिशियन एज ए वर्कर, देखें सर्वे दुनिया में डिफरेंट किस्म के होते हैं। बाई द वे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं MSc हूँ, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ स्टेटिस्टिक्स में, जिसमें मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट साथ था। इन एडिशन टू वो वक्त का धारा मुझे सिक्योरिटी की तरफ ले गया और मैं एक इन्वेस्टिगेटर बन गया, बट आई हैव नेवर लेफ्ट दिस थिंग इन माई लाइफ जो मैं अभी कहने लगा हूँ। देखें ये बताना होगा इनको आवाम को कि क्या ये स्टेटस सर्वे था, STAT स्टेटस था, या सिंपल सैंपल सर्वे था, या ये सैंपल ऑफ होल पॉपुलेशन था। अब ये ग्रोथ रेट किससे निकाल रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें ये ग्रोथ रेट बड़ा है, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बड़ा होगा, वहाँ पे एक इकॉनमी बड़ी होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए आप 4.9 हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसने ग्रो किया है। मैं अर्ज कर लूं अब मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने अपने सैंपल सर्वे में किन किन उन इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया। अगर ये 10 या 20 वो इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर लें जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट में जा रही हैं, तो जब आप उसकी एवरेज लेंगे तो वो पॉजिटिव ग्रोथ ही आएगी ना। तो क्या ये ग्रोथ जो उन्होंने शो की है, या क्राइटेरिया क्या बनाया गया उन फर्म्स को, उन इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करने के लिए? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, आई होप द गवर्नमेंट वॉन्ट माइंड बट आई एम गोइंग टू से इट, इट्स लाइक अ फजिंग द फिगर्स। अच्छा, ये फजिंग द फिगर्स एक्चुअली केम इन टू द माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब शौकत अजीज साहब थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने इनको बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से खेला। अब अगली बात, अगर आप इसको वाकई एक इंडिपेंडेंट कहते हैं सर्वे, तो फिर ये जो आपकी स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे नहीं होनी चाहिए, और ये और ना ही PND के नीचे होनी चाहिए। ये आनी चाहिए आपकी जो एक काउंसिल बनी हुई है, इकोनॉमिक काउंसिल है जो कि सारे सूबों का और फेडरेशन का ख्याल रखती है, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ताकि जो स्टेटिस्टिकल डिवीजन का डायरेक्टर जनरल है या स्टेटिस्टिक्स डिवीजन का सेक्रेटरी है, वो फैसला जो है वो हुकूमत के कहने पे ना करे, हुकूमत या स्टेट बैंक के आपका कहने इसका पे मतलब है आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत आदाद शुमार पेश कर रही है कि मौशी अशारिये जो हमारे बेहतर हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, हमारी रेशो बेहतर हो रही है, आपका मतलब है ये कहने पर किया गया है, ये लफ्जों का हेर फेर है, आदाद शुमार का हेर फेर है, इसमें हकीकत कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी देखें, मेरे 2 आर्टिकल छपे हैं, अगर किसी को है तो मुझे चैलेंज कर ले, कोर्ट में ले जाएं, ये एक कल था और एक आज है। इसमें मैंने सारी चीजों को प्रॉपरली एनालाइज किया है एज ए फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, एंड ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब कुछ ज्यादा देर की बात तो नहीं है ना, कल वो अनाउंस करेंगे। हाँ। तो आप 4 हफ्तों में देखिए कि क्या प्राइस नीचे आती है। अब वो खुद कहते हैं कि प्राइस हाइक इज अ प्रॉब्लम, और प्राइस हाइक प्रॉब्लम रहेगा, आपकी इन्फ्लेशन तो आप नीचे ला नहीं सके। और खुदा के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आप बांग्लादेश मॉडल को उठा लेते तो आप शायद कामयाब हो जाते। मैं ये समझता हूं कि वहां पे क्यों ग्रोथ रेट बढ़ा, इसलिए कि बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, इन मुल्कों ने बाहर की इन्वेस्टमेंट को वहां पे इनवाइट किया। सर आज आप देख सर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? जो इन्वेस्टमेंट 2 सालों से पाकिस्तानी ज्यादा हैं सर, पौने 2 सालों से कोविड चल रहा है। मैं अर्ज करूं पाकिस्तानी सर, पौने 2 सालों से कोविड चल रहा है, जो हालात हैं कह रहा हूं ना, आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? जी देखिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, दिस इज ए नेगेटिव फैक्टर, बट द गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट पॉजिटिवली।
और वो ये कह रही है कि ग्रोथ रेट नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ कोविड, तो फिर सच बोले ना भाई, कोविड रेट, कोविड की वजह से हम 1.2 तक पहुंचे, जो एस्टिमेट 2. समथिंग था। तो दूसरी एक और चीज, जब आप ऑलरेडी आपकी पिछली फाइनेंशियल टीम लिख के दे चुकी है IMF को, आप 26 दफा अभी तक 1952 से जा चुके हैं इसके पास, IMF के पास, ये जो एक्चुअलाइजेशन इन्होंने करवाई है वो 22nd टाइम है, और आपको अभी फिर हम लेंगे तो हम तो तनहाएं भी उधार लेके दे रहे हैं सर। अभी गवर्नमेंट सर्विस की तनहाएं हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी रेमिटेंस 26 अरब डॉलर से बढ़ी है, बताया जा रहा है गैर मुल्की जो कर्जे हैं 700 अरब की उसमें कमी हुई है, आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, फिर 11 महीनों में 22 अरब की टैक्स कलेक्शन की है सर। भाई बात सुने, थोड़ी चीजें भी आप देख लेना जी। आप एक तरफ कहती है ना कोविड है, तो कोविड की वजह से जो लोग बाहर निकाले गए मुलाजमतों से मिडल ईस्ट में, उनको लमसम पैसे मिले टू सेंड देम बैक एंड गो बैक, उनको वह जब निकाला गया तो वो जो तनहाए महीने के हिसाब से भेजते थे, किसी को साल की एडवांस मिल गई, किसी 2 साल की मिल गई, ये उसकी वजह से रिमिटेंसेस आए। आई एम वेरी हैप्पी टू से इट इज वेरी गुड, बट आफ्टर 1 ईयर दीज रिमिटेंसेस विल गो डाउन। उसके लिए क्या किया है, फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इस वक्त है, हमारी ये सर्वाइवल है, ये मेरा भी पाकिस्तान है आपका भी पाकिस्तान, मैं क्रिटिस किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि हम पैसा वापस लाएंगे, मैं आज इनको एक फार्मूला देता हूं, और अगर वो फार्मूला नहीं कामयाब होता तो देन आई कैन से कि मेरी जो मैंने स्टेटमेंट दी थी रॉन्ग की थी। देखें, FATF ने आपको मजबूर करके, आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे एक लॉ बनाने पे मजबूर किया, म्यूचुअल ट्रीटी साइन की, हमने म्यूचुअल ट्रीटी साइन मनी लॉन्ड्रिंग पे की ना, हमारी स्टोलन मनी पे की। मेरी आज रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये लें, लीड करें इसको, और FATF की जिम्मेदारी लगाएं कि और IMF को पैसा देना बंद कर दें, IMF को, कि वो सारी हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन मनी, स्टोलन जो भी जायदाद बात पड़ी है वो आप बाय आउट करें, और उसके अगेंस्ट जो है हमारी एडजस्टमेंट करें जो आपके हमारी पे बैक्स हैं। देखिए कैसे नहीं काम होता, और ये तो मैं नया कोई नहीं छोड़ रहा हूँ सोचा, दुनिया पूरी में डेट्स बाय होते हैं, और अभी रिसेंट जो एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है दी प्रेजिडेंट ऑफ रशिया, उन्होंने कहा है जी जो जिन कौमों के कर्जे हैं वो कन्वर्ट कर ले हमारी रशियन करेंसी में, और देन दे कैन ट्रेड विद अस एंड वी कैन हेल्प देम अस। अभी यही चीज हम चाइना के साथ कर सकते हैं। देखिए जब तक हमारी डेट रिटायरमेंट नहीं होगी मैडम, वी कैन नॉट प्रोग्रेस एंड वी कैन नॉट ग्रो इन द इकोनॉमी। एक और चीज मैं आपको अर्ज करूंगा, अगर आज हमने ना किया, आने वाले वक्तों में हमारी नस्लें जो है ना वो इतनी कि बोझ दले दब जाएंगी कि हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात हो जाएंगी। हुकूमत का ही जो फैसला है कि बिजनेस कम्युनिटी को तंग नहीं करना, सबने मिलकर टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और बहुत बड़ा आपका सोर्स है आपके रेवेन्यू कलेक्शन का, बिजनेस कम्युनिटी को तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें हिरासा नहीं किया जाएगा, FBR किसी को नोटिस जारी नहीं करेगा, ये जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं आप लोग बिजनेस कम्युनिटी को, आप इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं? देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब तक आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा हमें टैक्स नहीं मिलेगा। मैं कोई खिलाफ नहीं हूं बिजनेसमैनों के, लेकिन मैं एक चीज जरूर अर्ज कर दूं कि पूरी दुनिया में टैक्स जब लगते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें किसी को इतराज नहीं होता। पूरे यूरोप में VAT लगती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, रिटर्न भी हो जाती है वक्त पे अगर वो ज़्यादा लग गई है या गलत लग गई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस ख्याल से हर एक को एक रिलीफ देने के चक्कर में अपनी इकॉनमी के साथ प्ले कर रहे हैं, सो आई एम सॉरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ, पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को तो आप पकड़ते हैं, उनकी स्टोलन मनी है जी बाहर ले गए हैं, आए मेरे पास को बंदा बैठ जाए, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान की बिजनेस के कम्युनिटी के टॉप किन लोगों के जायदादें और बैंक अकाउंट कनाडा में हैं, मलेशिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, और श्रीलंका में हैं, यूरोपियन यूनियन में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं। आप जाके वो निकलवाएं ना, तो आप क्यों नहीं वो IMF को कहते भाई, आप तो आप लगाते हो ये हमारी स्टोलन मनी को लो ना। पीपल्स पार्टी ने खुद ही इकदाम किए थे सर। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता, तो मैं जरूर सोचता, फिर भी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब ये चीजें थे, जैसे आज इस हुकूमत को दे रहे हैं, अपने लोगों को भी तो दे सकते थे। नेवर, नहीं, मेरी, नहीं, मेरा ये मशवरे ऐसे
कैबिनेट का हिस्सा हैं। मेरी अभी भी कैबिनेट की जो मेरी स्पीचेज है निकाल के देख लें, ये जो करंसी वाला है और आईएमएफ को पैसा ना देने का, और बल्कि मैंने आईएमएफ की एक मीटिंग में मुझे वैसे ही ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया जिसमें हिना रबानी थी और हफीज शेख थे, तो मैंने वहां कहा था कि हमारी डेट रिटायरमेंट करें या हमें 10 साल का या 20 साल का हमें थोड़ा इसका रिलीफ पीरियड दें। तो सब कहने लगे नहीं नहीं इट्स नॉट पॉसिबल मलिक साहब, पूरा हालात और ना खराब करें। तो आई हैव बीन टॉकिंग इन माय वे, जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं आज भी बोल रहा हूं और बड़ा खुल के बोल रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज हो गया तो ये नाराज हो जाएगा। देखें बजट तो पास हो जाना है, ये हमारी एक रूटीन है, एक रीत है, बजट नहीं रहता बगैर पास किए हुए, ये बना इसलिए है, ये एक फेस्टिविटी है मस्त से दुनिया पूरी में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बजट, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी बन जाती है पाकिस्तान में। अब कुछ अपनी बातें कुछ लोग मनाएंगे, इनके इतिहादी कुछ बातें अपनी सामने लाएंगे, वो आवाम का कोई नहीं सोचेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है आज जरूर कहा है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने कि वी विल डू समथिंग फॉर पुअर, बट मैं तरीन साहब पूछ रहा हूँ क्या करेंगे गरीबों के लिए? इन्फ्लेशन रेट आपका ऊपर है, हाफ प्राइस आपकी ऊपर है, डॉलर आपका जो बढ़ गया है, आने वाले वक्त में जो महंगाई की चीज है वो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने की चीज है। हाउ कैन यू रिड्यूस, देखिए अगर मिल जाए उनको घर 40,000 से नीचे जो कमा रहा है अगर वो उसको वो घर मिल जाता है और 20 साल में वो उस घर का मालिक बन जाता है तो आई थिंक ये बेस्ट है गरीबों के लिए। देखिए मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ ये मॉर्गेज कंपनियां बनाएं अभी, और भी इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ आने वाले इस पीरियड में बैंकिंग सेक्टर बहुत फ्लोरिश करेगा, ये मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन आई डोंट वांट टू टेल, लेकिन अगर ये मॉर्गेज पे घर दे सकते हैं और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को आगे ले जाया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो 40,000 भी जो उसको निकालने के लिए अपनी इक्विटी कितना मुश्किल होगा, मैडम 15,000 तनख्वाह मिलती है एक गरीब चपरासी को या 20,000 वो क्या करेगा? मैंने इसलिए कहा है कि 75% तनख्वाह आप बढ़ाएं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आई नो इट इज अनरियलिस्टिक, लेकिन कम से कम 50% तनख्वाह गरीब लोगों की बढ़ाएं, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है जो उनका हाल है जाके देखे उनका यूनिफॉर्म फटा होता है, उनको इतना यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलता, उनको पेट्रोल के लिए पैसे नहीं, थानेदार जो होता है वो कहता है जाओ जी आप पेट्रोल फलाने पुलिस स्टेशन तो लाया, अगर आप इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उनको उनका हक नहीं देंगे, उनकी ड्यूटी करने के लिए उनकी जरूरी चीजें नहीं देंगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट रूल ऑफ लॉ? और जिस वक्त तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना आपकी इकॉनमी अच्छी होगी ना आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अनुमा रहमान मलिक साहब मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। वैसे तो हर जगह बजट बजट की बात हो रही है, गरीब आदमी की बात हो रही है, चलें उस पर एक दो सवाल मैं आपसे बाद में करूँगी, लेकिन जो पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ, कल जो फिरदौस आशिक अवान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मद्दुखेल साहब के दरमियान जो कुछ हुआ, सादा अल्फाज में मैं आपसे सिर्फ ये पूछूँगी, क्या ये रवैया इस कद के सियासतदानों को जेब देता है? ये क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान को, दुनिया को? क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि हम किस किस्म के लोग हैं? देखिए शाजिया, इसमें एक तो ये है कि मैं अरसे से ये अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत के सीने में दिल तो पहले से नहीं था, लेकिन जब से ये पीपल्स पीटीआई को उरूज मिला है तो उसके बाद सियासत की आंख में शर्म और हया वो भी नहीं रही है और उससे भी उसको महरूम कर दिया गया है। और ये जो गालम गलूच का कल्चर है, ये हमने पहली मर्तबा देखा कि ऊपर से लेकर नीचे तक उसको प्रमोट किया जा रहा है और उसकी देखा देखी दूसरी पार्टियों ने भी ये रवैया अपना लिया। इसमें एक गलती वो मीडिया या फिर मीडिया को कंट्रोल करने वाली ताकतों की भी है,
जब आप जेन्युइन इश्यूज़ पे जेन्युइन लोगों को बात करने नहीं देते और जब दिन रात यही होता है कि इस तरह के लोगों को आप बुलाते हैं, तो फिर ज़ाहरी बात है कि ये चीज़ भी होती है। मसलन इस वक्त आप देखें कि आज नौवां दिन है और बनू जागी खैर में लोग लाश रख के एक कबायली रहनुमा की और वहाँ पे धरना जारी है। अब मीडिया पे उसकी कवरेज की इजाज़त नहीं है। इससे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान में ये सब कुछ हुआ, वहाँ पे बच्चों की लाशों को रख के वो किया गया। लेकिन इन इश्यूज़ को, जब इस मुल्क के हकीकी इश्यूज़ है, उसको आप डिस्कस करने नहीं देते और उस पर डिस्कशन नहीं होती। और इस तरह के लोगों को ये, इस दौर में आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी लाट निकल आई हमारी सियासत में कि उन लोगों का ना कोई माजी है, ना कोई किरदार है, ना कोई उनका नज़रियाती बैकग्राउंड है। बस वो आ जाते हैं किसी सिफारिश से, या तो हुकूमती सफ़ों में घुस जाते हैं या फिर आके साहब इस चीज़ का माजी से, हाल से चले कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन इंसान का कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होती हैं, कोई तमीज़ होती है जो इंसान अपने घर से, अपने ख़ानदान से सीखता है, सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है। ज़रूरी तो नहीं है कि सियासत में ही आके आपको सब कुछ दिखाना है, तमीज़ भी दिखानी है, अखलाक भी दिखाना है। कोई आपका कोई, आप जब आप किसी से बात करते हैं तो आप बताते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर एक शख्स आपके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है या गाली दे रहा है, आप उसके जवाब में वही कुछ करेंगे तो उसमें और आप में कोई फर्क तो नहीं रह जाएगा। तो जरूरी तो नहीं है कि सियासत में ही आके आपको सब कुछ तहजीब दिखानी है। नहीं, अगर सियासत और हुकूमत में आगे बढ़ने के लिए अखलाक मायार होता तो लोग आला अखलाक का मुजाहरा करने की कोशिश करते। अगर इल्म मायार होता तो लोग फिर पढ़ने लिखने की और अपने आप को इलम से वाबस्ता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब पैसा सियासत में ज़रूरत बन गई आगे बढ़ने के लिए, तो आपने देखा कि लोग पैसा कमाने लगे हलाल और हराम तरीके से। फिर जब ये बदतमीज़ी और गालम गलूच और मुखालिफ को लताड़ना, वो अगर तरक्की का और सियासत में आगे बढ़ने का मायार बन जाए, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि पीटीआई के अंदर इन दोनों चीज़ों को फ़रोग दिया गया। मसलन आप देखें, जहांगीर तरीन साहब से लेके आज़म स्वाति तक और अलीम ख़ान से लेके पता नहीं किस तरह के इस तरह के लोग हैं कि जी उनके पास सिर्फ ये कि वो पैसा है, वो आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया, उनको ओहदे भी मिले, उनको इख्तदार भी मिला, उनको हुकूमत भी मिली। फिर यहाँ पे आप देखें कि ये सारे जो जमा किए गए हैं, अब शहबाज़ गिल साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, या उनका पाकिस्तानी सियासत में या ख़ुद पीटीआई में माजी में क्या कंट्रीब्यूशन रही है, या फिर फिरदौस आशिक अवान साहब की क्या रही है। ये सारे इस तरह के लोग जब आपको लीडरशिप की तरफ से अप्रिशिएट किया जाते हैं। मसलन मैंने एक वज़ीर से पूछा, नया नया वो वज़ीर बना था, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप ये टॉक शोज़ और इसके लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं, आपको इतनी अहम मिनिस्ट्री मिली है, आप तो अगर 5-7 दिन रात दफ्तर में बैठे लिखे पढ़े और ब्रीफिंग लें तो तब भी शायद 5 साल में मुश्किल से आप इस मिनिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बस वो क्या करें, उधर का नहीं पूछा जाता, शाम को टॉक शो में और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपको जो है पूछा जाता है। आपको लगता है कि जो बदतमीजियां और गालम गलोच अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें, ये लीडर्स की शय होती है, पार्टी क़यादत की शय होती है जिसकी वजह से आप ये करते हैं? देखिए, मैं तो ये ऑन द रिकॉर्ड कह चुका हूँ, अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, उससे पहले की बात है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने एक TV टॉक शो में, जो हमारे यहाँ रिवायत होती है, कमर जमान कायरा साहब से कहा था कि जी आप तो हमारे बड़े हैं, हम आपसे सीखते हैं। तो शाम को फिर खान साहब ने उनको ढांढ पिला दी और उनको बड़ा गुस्सा किया कि अगर आपको जो है कमर जमान कायरा बहुत पसंद है तो उनकी पार्टी में चले जाएं। तो जब लीडरशिप की तरफ से आपके साथ इस तरह हो रहा हो, और फिर शाम को ये जो लोग टॉक शोज में मुखालिफिन को जितना ज्यादा लताड़ते हैं तो उनको शाबाश मिलती है, या फिर इससे पहले जो कुछ होता रहा ये अब सोशल मीडिया को कौमी असेंबली में होता है। कौमी असेंबली में होता है, आपका क्या ख्याल है कि ये असद कैसर जो है वो खुद बा इख्तियार है, वो खान साहब की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते। ये जो वहाँ बिलावल और उसकी तकरीर के बाद जो है, शाबाज शरीफ की तकरीर के बाद मुराद सईद को तकरीर दे देते हैं,
तो ये तो वहां का ऑर्डर होता है। तो हम उम्मीद ना करें कि खान साहब इस पर एक्शन लेंगे और आज के बाद ये किसी को ना करने की हिदायत करेंगे, हम ये उम्मीद ना रखें इसका मतलब खान साहब से। एक्शन दूर की बात है, आप उनकी तरक्की का आप फिक्र करें, उनको तरक्की मिल सकती है इसकी बुनियाद पर। ये तो ज्यादा हो गया। माजी से नहीं, नहीं माजी में ऐसा हुआ है। सही कि माजी में ऐसा हुआ है, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि इस तरह की काम की बुनियाद पे जो है बंदे को ओहदा मिला है और तरक्की मिली है। सही, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बजट पे बात कर लें साफी साहब। आम आदमी कोई जो मौशी इशारे पेश किए जाते हैं, इक्तसादी सर्वे पेश किए जाते हैं, आम आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी टेक्निकल चीज़ें एक रेड़ी वाला, एक दुकान वाला, एक आम बंदा नहीं समझ सकता है। आम बंदे को यही कंसर्न है कि बजट में उसके लिए क्या आ रहा है, महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। एक आम आदमी के लिए आज के दौर में बजट की अहमियत क्या है, जब आए रोज़ हम देखते हैं सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, गोश्त की कीमतें बढ़ गई, दालों की कीमतें बढ़ गई, गंदम नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल, आम आदमी के लिए अहमियत क्या है बजट की? देखिए, एक तो पहले खुद ही आपने उस सवाल का जवाब दे दिया कि जब बिजली की कीमतें आप हर महीने बढ़ाते रहें, हाँ। जब इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट खुद अपना मुतय्यन करता है, फिर जिस वक्त हुकूमत चाहे तो वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए या इंतज़ामी अहकामात के ज़रिए वो टैक्सों तक रद्द बदल का मामला कर लेती है, तो एक तो उस हिसाब से बजट की क्या अहमियत रह जाती है। दूसरा, मैं तो आज दोपहर के बाद से सर पकड़ के बैठा हूँ कि ये हम किस तरह के लोगों के सपोर्ट दिए। मसलन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन साहब ने 3 मरतबा ये बात कही कि हमारे लिए बड़ा मसला जो है वो पावर के मैनेजमेंट का, और उसने कहा कि बिजली सरप्लस पैदा की गई है या मुआहदे किए गए हैं, और उनका कहना ये था कि पिछली हुकूमत ने जितने बिजली के मुआहदे किए हैं और इस वक्त जितनी बिजली सरप्लस है उसको हम अगले 10 सालों में भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है तरसील का। हाँ, और जब वो ये बात कर रहे थे तो उस वक्त मेरे ख्याल में मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे जारी थे, और ये अजीब इत्तेफाक है कि उस वक्त मैं इस्लामाबाद में बैठा था और मैं जहाँ बैठा था वहाँ पे भी बिजली चली गई। तो जब एक हुकूमत की ये हालत हो कि उसके पास सरप्लस बिजली हो लेकिन वो उसके तरसील का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता और उसके शहरी वो लोड शेडिंग की वजह से और गर्मी की वजह से वो परेशान हाल हो, क्या ये सिर्फ इसी हुकूमत का कसूर है? बकौल इनके, मुआहदे तो पिछली हुकूमतों ने किए, महंगे मुआहदे किए और ऐसे मुआहदे किए कि हम बिजली भी ले रहे, बिजली के पैसे भी दे रहे हैं और वो बिजली यूटिलाइज भी नहीं हो रही है। हम तो अब पेमेंट्स कर करके थक गए हैं, 34 रुपये फी यूनिट एक आम आदमी को मिल रही है, तो कैपेसिटी पेमेंट्स भी हो रही है लेकिन बिजली नहीं मिल रही है, तो ये कसूर सिर्फ 3 सालों में पीटीआई का है सर? नहीं, सिर्फ इनका नहीं है, लेकिन चलो वो तो गलत लोग थे ना। इन 5 सालों में इन्होंने क्या ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने के लिए कुछ किया? इन 5 सालों में क्या कीमतें कम करने के लिए कुछ किया? या तो अगर उन माहदों को रिवाइज कर सकते थे या वो करते, या अगर नहीं, मेरे घर में अगर किसी मेरे बड़े ने एक चीज़ महंगी ख़रीदी है तो मैं क्या फिर उसको इसी तरह रहने दूँ? या तो मैं उसको बेच दूं या फिर उसको इस्तेमाल में ले आऊं ना। बिल्कुल। और हालत आप ये हो कि इस वक्त आपके लोग जगह जगह बिजली ना होने की वजह से मर रहे हों, वो सड़कों पर निकले हों, लाइन ऑर्डर का मसला बना हुआ हो, तो यानी ये पता नहीं कि कैसी हुकूमत से हमें वास्ता पड़ा है। और दूसरा, मैं एक और बात पर परेशान हूँ, वो मैं इस बात पर परेशान हूँ कि मैं इसी शौकत तरीन साहब के 1.5 माह पहले वाले जो ख्यालात थे मैं उस पर यकीन करूं या आज वो जो कह रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मैं उस पर यकीन करूं? क्योंकि आप होगा आज अगर अभी वो क्लिप निकाल दें कि वजीर खजाना बनने के बाद, हाँ। और ब्रीफ लेने के बाद और सरकारी आदाद शुमार देखने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे और आपको 2-3 चीजें बताई थी। एक कि मईशत का सत्या नाश हो गया है, इस हुकूमत की माशी टीम की पॉलिसियों की कोई सिमत मालूम नहीं। दूसरा, उन्होंने हमें ये बताया था कि IMF के साथ गलत मुआहदे किए गए हैं,
और वो इसी हुकूमत ने और इसी टीम ने किए थे, और तीसरा उन्होंने हमें ये बताया था कि अगले दो साल के लिए मेरा हदफ और टारगेट ये है कि मैं जीडीपी ग्रोथ वो 5% पर ले जाऊं। अच्छा, अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो चीज़ों में तो वो खड़े हैं, एक तो आईएमएफ के सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, बिजली महंगी नहीं करेंगे, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। दूसरा जो आप शरह नमू की बात करें, वो आज भी कह रहे हैं कि अगले साल तक हम 5% लेकर जाएंगे। दो चीज़ों पर तो वो खड़े हैं। नहीं, उन्होंने तो मुझे अगले सालों के लिए अपना टारगेट बताया था ना। अब उसके एक हफ्ते बाद वहाँ पे जश्न मनाना शुरू हुआ हुकूमत के, और उन्होंने कहा कि हम जो है इतने परसेंट पे आ गए हैं। और दूसरी तरफ ये जो दूसरी चीज़ें हैं, अच्छा फिर अगर ये हुआ है ना, तो अभी शौकत तरीन साहब की जो पॉलिसियाँ हैं उसका नतीजा तो अगले साल में सामने आएगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़िया कार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हाफिज़ एहतशाम जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, जो कल बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की, क्या तवक्कोआत हैं, क्या आपको लगता है कि गरीब आदमी के लिए ही बजट होगा ये? सबसे पहले तो जी आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक के ऊपर हमसे मौका दिया बात करने का। देखें जी, इस वक्त हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा मसला है वो बिलाशुबा इन्फ्लेशन, महंगाई है, और गरीब आदमी की जिंदगी को आसान बनाना है। तो इस हवाले से अगर देखें, इन्फ्लेशन एक ही सूरत में कम हो सकती है, जब आपका तजारती खसारा कम होगा, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और एक्सपोर्ट्स सिर्फ एक ही सूरत में बढ़ सकती हैं, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग देंगे। और इसमें हमें पैरेलल वर्किंग की जरूरत है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के हवाले से, और रेगुलेट इसके साथ सर, हुकूमत इस इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, आपके सीमेंट की हमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल हो रही है, फिर आपकी ऑटो जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है। सर, इंडस्ट्री को तो ये हुकूमत सपोर्ट कर रही है। जी जी मैम, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, जब आपके मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स ठीक हो जाते हैं तो उसका हम सब देखना शुरू हो जाते हैं कि हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या आएगा। फैसलाबाद एक टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री सिटी है, तो यहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसी दिन से शुरू हो गया था जब हमारे पास स्किल्ड लेबर शॉर्ट हुई थी। तो वो स्किल्ड लेबर पर्सन जो हमें 17-18 हजार में अवेलेबल था, वो 21-22 हजार 23 हजार में चला गया। तो पर कैपिटा इनकम या एक बंदे की जौन सी थी माली हैसियत, वो इम्प्रूव कर गई इंडस्ट्री के इम्प्रूव होने से। इसके साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक था वो भी अब बहाल हो चुका है। आपका किसान खुशहाल हुआ है इस दफा। गंदम की 1800 रुपए प्राइस थी, 1300 रुपए पिछले साल थी, इस दफा 1800 बिल्कुल। गंदम, गन्ना तकरीबन 125 रुपए एवरेज आप निकाल लें तो 125 रुपए एवरेज सेल होता रहा है। तो देखें, इसके इसके लिए एक बड़ी वाजे सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि गवर्नमेंट को जो काम करने की जरूरत है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को काम करने की जरूरत है। रेगुलेट करें आपकी उन प्रोडक्ट्स को जो मोनोपोलिस्टिक जौन से लोग हैं जो लॉबिंग करते हैं और फिर अपनी चीज की डिमांड एंड सप्लाई की गेम में चीजें महंगी कर देते हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सही, तो इसका मतलब है कि आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अभी जो महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत को इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपके एसएमई सेक्टर जौन सा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा प्रॉपर। वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट करने के लिए बड़े स्ट्रिक्ट इस टाइम ना जो आपके एफबीआर के हैं रजिस्टर्ड करने के लिए एक लंबी फाइल है। अगर हम आसान रजिस्ट्रेशन को तरफ ले जाएं तो वो डॉक्यूमेंटेड या एसएमई सेक्टर आपकी टफ जैसी स्कीम्स से फायदा उठा सकता था। टफ का फायदा 260 अरब रुपए का टेक्सटाइल सेक्टर ने फायदा उठाया, लेकिन किसने? एलएसएम ने। एलएसएम की ग्रोथ रेट 30% है, अगर आप एसएमई की ग्रोथ रेट उठा के देखें तो वो 8.5-9% है। तो वो फर्क क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एसएमई वो सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रहे जो एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर हासिल कर पा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हाफिज एहतशाम जावेद मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।